जाग उठा, भी करना क्या था वेस्टीज ने। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज ने नेटवर्क मार्केटिंग के मायने बदल दिए। यहाँ नेटवर्किंग वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, यही है ना भी। दुकान बदलने से जिंदगी बदल जाएगी और लोगों को बताने से पैसे आते हैं, तो बताने में दिक्कत क्या है। सही है सर। तो उसके बाद मैं आज स्टार डायरेक्टर बना, आरएमएस बना, कार अचीवर बना, उसमें मेरी पूरी ग्रेट अपलाइन का विशेष सहयोग रहा, जिसमें सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी और मिस्टर तेजेंद्र पाल सर, अगर वो ना होते तो ये असंभव था। तो इनके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद इसमें खास मैं योगदान मानता हूँ मेरे मेंटर, मेरे महागुरु सरदार मनजीत सिंह जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे सोचने के नजरिए को चेंज किया। क्योंकि मेरा मानना था अभी 6 महीने और साल में करोड़पति बनने के मैंने सपने देखे थे इस बिजनेस में, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कामयाब होना है तो कम से कम आपको 5 साल का कमिटमेंट लेके आना पड़ेगा। यहाँ शॉर्टकट नहीं होता जी, शॉर्टकट में कामयाबी नहीं मिलती। तो इन्होंने मेरे सोचने के नज़रिए आज मैं 360 डिग्री जो चेंज हुआ है वो तो सरदार मनजीत सिंह जी करके लिए, मैं इनको अपना भगवान मानता हूँ, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। पहला चेक की अगर बात करें 487 रुपये का, और पिछले महीने का 60,000 रुपये का, और 7 लाख की टाटा त्यागो में इतना एक ड्रीम यहाँ से पूरा किया है। एक ही चीज है, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको अपना पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शॉर्टकट तो है नहीं। 6 महीने साल में करोड़पति नहीं बनते, पेशेंस बनाना है आपने। 3 से 5 साल का अपने गोल बनाना है, इसलिए कामयाब हम 3 से 5 साल अगर इसमें टाइम लगाएंगे तो कामयाबी मिल सकती है। पेशेंस इस बिजनेस में कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, भी आपने पेशेंस बनाए रखना है। सही है सर। अब पेशेंस इसमें असफल क्यों होते हैं लोग, खास करके मैंने इसमें देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि 3 महीने 6 महीने 1 साल काम करने के बाद इसमें लोग ज्यादातर गिवअप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे कुछ लगा नहीं होता। सही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें, वहां पे पहले तो लाखों रुपए लगते हैं, और फिर पहले हमारे माइंड में होता है भी यहाँ 3 से 5 साल तो लगेंगे, इसलिए हम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपने क्या करना सर, इसमें लगाना कुछ नहीं है, लेकिन फीलिंग लेनी है भी करोड़ों रुपए लगे हैं। सही है। अब ये पेशेंस कब बनेगा? हेलो यस, ये पेशेंस कब बनेगा? जब आपको अपने बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन पे 100% बिलीव और फेथ होगा, अब ये पेशेंस बनेगा। क्योंकि जैसे सर बताते हुए हैं, थॉमस एडिसन 9999 बार फेल हो चुका था, फिर भी वो लगा रहा। कारण क्या था? क्योंकि उसको अपने काम पे 100% विश्वास था, भी करके ही रहूंगा। इसलिए आपको अपने बिजनेस पे 100%। मैं लगभग 10-11 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, आज भी मेरे गांव के लोग जो कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, भी इतने साल हो गया कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे यह मानना है कि इस इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास जहाँ पे मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। इसलिए आज मैं यहाँ से टिका हुआ हूँ, और जो मैंने आज से 10 साल पहले सपने देखे थे उसमें से एक तो मैंने पूरा कर लिया है, और अब वेस्टीज का साथ है, टीम चैंपियन का साथ है, उसमें सरदार दलजीत सिंह जी और सरदार मनजीत सिंह जी की टीम से जुड़े हुए हैं। तो आज से 10 साल पहले जो सपने धुंधले हो चुके थे वो एक बार फिर सच होते हुए दिख रहे हैं सर। वेरी गुड, ग्रेट। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगा। विश यू वेल, थैंक यू।